So again, good afternoon to all of you. Let's start our class. 12th today's date is 21st of May. 21 May है आज हो गया. और हम लोग अपने 13th lecture में. ठीक है. लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक शुरू करना किया था. ऑलमोस्ट वो था इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. एक अगर डाइपोल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा. ठीक है. डाइपोल होता क्या है आपको पता है. माइनस और प्लस क्यू चार्ज का अरेंजमेंट होता है डाइपोल. ठीक है. तो मान लीजिए हमने रख दिया इसको डाइपोल को. तो हमने क्या देखा कि इसके पास दो चार्जेस हैं प्लस और माइनस. और हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है. और हमने माना कि ये कुछ क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे हमने इसको रख दिया. तो क्या होगा. तो हमने देखा कि इस पे एक फोर्स लग रहा है. पॉजिटिव चार्ज फोर्स हमेशा कैसे लगता है फील्ड के अलोंग लगता है. और कितना लगता है क्यू ई. और नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या लगता है फील्ड के अपोजिट लगता है. कितना लगता है क्यू इंटू ई. तो इतना तो आप मानोगे कि इस पूरे डाइपोल पे जो टोटल फोर्स लगेगा मैं कहूं अगर नेट फोर्स कहूं नेट फोर्स ऑन डाइपोल विल बी इक्वल्स टू क्यू ई माइनस क्यू ई इक्वल्स टू व्हाट जीरो. इज इट क्लियर. क्या नेट फोर्स विल गेट टू जीरो. नेट फोर्स कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. टोटल फोर्स जीरो हो जाने का आज तक हमने मतलब क्या पढ़ा कि वो बॉडी मूव नहीं करेगा. हमने आज तक ही पढ़ा ना कि बॉडी मूव नहीं करेगा. तो मैं आपको दो एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूं और एक नया लॉजिक लेके आने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए कि हमने क्या ले लिया एक रॉड ले लिया. हमने एक रॉड ले लिया. ठीक है. और एक और रॉड मैंने कुछ यहां पर ले लिया. मान लीजिए कि हमने दो इक्वल ऑपोजिट फोर्स लगा दिए ऐसे रॉड पे लगा दिया. तो आपको भी पता है कि नेट फोर्स जीरो होगा. और एक और एग्जांपल दे दिया. क्लियर. एक और ले लिया कुछ ऐसे. मुझे बताओ कि दोनों केस में तो ऑब्वियसली इक्वल फोर्स लग रहा है एफ. मान लीजिए यहां भी मान लेते हैं एफ यहां भी मान लेते हैं एफ और यहां भी मान लेते हैं एफ. तो इतना तो मानोगे कि दोनों केस में नेट फोर्स कितना है मेरा जीरो है. बोलिए इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. क्या सबको ये क्लियर है कि दोनों केस में नेट फोर्स जीरो होगा क्या. सब लोग बताओ जिसको भी ये बिल्कुल नई चीज बता रहा हूं आपको. थोड़ा आपको जवाब देना पड़ेगा रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा. क्या आप सब लोग इस बात को मानते हो क्या कि जो नेट फोर्स होगा इस केस में वो क्या होगा वो जीरो होगा. सब लोग शोएब आशुतोष एवरीवन रिस्पॉन्ड. क्या मानते हो क्या कि इक्वल ऑपोजिट फोर्स लग रहा है दोनों रॉड पे. ये घर पे पेंसिल के साथ ट्राई करो ना. ये घर में पेंसिल के साथ ट्राई करो. पेंसिल ले लो ऐसे और दोनों तरफ से फोर्स लगाओ. ठीक है. तो दोनों पहला वाला तो चलो कुछ नहीं होगा. पहला वाला तो फोर्स लगाओगे इक्वल ऑपोजिट लगाओगे कुछ नहीं होगा. दूसरे वाले में क्या ऐसा होगा क्या कि एक को फोर्स ऐसे लगा रहे हैं और दूसरे को फोर्स ऐसे लगा रहे हैं. तो ये इसको रोटेट कर देगा क्या निमेश. बिल्कुल सही है. क्या इस ये पेन को रोटेट कर देगा क्या. अगर दो फोर्सेस अगर सेम लाइन में नहीं लगेंगे तो क्या वो उस इसको रोटेट नहीं कर देगा क्या. बोलिए एक सिंपल सी भाषा में सिंपल सी बात बता रहा हूं कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है तो मैं मान लेता हूं कि नेट फोर्स जीरो होगा वो बॉडी मूव नहीं करेगा. लेकिन अगर फोर्सेस सेम लाइन पे नहीं होंगे तो वो क्या करेगा रोटेट कर देगा. बोलिए क्लियर है क्या. कितने लोगों की बात समझ में आई. और ये क्या एग्जांपल हम घर में अपने नीचे सामने पेंसिल रख के देखो ना पेन रख के देखो ना पेन रख के देखो ना कि दोनों को फोर्स को सामने सामने लाइन में लगाओ नहीं मूव कर रहा है. ठीक है. मैं ऐसे कर रहा हूं मान लीजिए मैं ऐसे ले रहा हूं दोनों साइड से फोर्स लगा रहा हूं. ठीक है. अब ये कैसे दिख रहा हूं पता नहीं. ठीक है. और एक एक दोनों एंड पे लगा रहा हूं रोटेट कर जा रहा है. तो इसको कहते हैं इस तरह के सिचुएशन को हम लोग कहते हैं फोर्स कपल. फोर्स कपल. ठीक है. फोर्स कपल. एंड इस फोर्स कपल की वजह से ये बॉडी क्या हो जाता है रोटेट कर जाता है.
लेकिन आप आते हैं कि अच्छा चलो रोटेट कर गया, मान लिया हमने कि हमारे इस केस में भी, गौर से देखिए, हमारे इस डाइपोल वाले केस में भी एक फोर्स कपल लग रहा है जो इसको क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। लेकिन यहां पे एक टर्म आता है टॉर्क, एक टर्म आता है अपने पास टॉर्क, नया टर्म है। रोटेशनल मोशन हमने स्किप किया था बात के लिए, तो ये टर्म शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, टॉर्क। अनुष्का ने बोला कि सर नेट फोर्स जीरो है तो ये मूव कैसे करेगा। देखो अनुष्का, ये जो पेन है ये मूव नहीं कर रहा है, ये अपने उसी पॉइंट पे रोटेट कर रहा है, तो नेट फोर्स जीरो होने पे कभी बॉडी मूव नहीं करेगा, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। लेकिन अगर सारे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अगर अलग अलग लाइन में लगेगा तो भले मूव नहीं करेगा लेकिन इसको ये क्या कर देगा, रोटेट तो कर ही देगा। ठीक है, चलिए, तो कितना हो गया टॉर्क, नया टर्म लिखा है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू इनटू फोर्स कपल का एक फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स कपल का एक फोर्स। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, तो दो फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको लेते हैं। अब कैसे लेंगे, यहां पे गौर से देखिएगा, अगर मुझे अपने इस केस पे लेना पड़ेगा, मुझे इस केस पे लेना पड़ेगा, तो दोनों फोर्सेस कैसे लग रहा है, एक इस लाइन में लग रहा है और एक इस लाइन में लग रहा है, तो दोनों के बीच अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करूंगा, ऐसे। ठीक है, यही होगा मेरा आर परपेंडिकुलर, मानते हो क्या, ये हमारा क्या होगा आर परपेंडिकुलर। अच्छा, आर परपेंडिकुलर है कितना देखते हैं, तो डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना होता था, 2a होता था, तो क्या आर परपेंडिकुलर कह सकते हैं क्या, 2a साइन थीटा, बोलिए क्या हम लोग आर परपेंडिकुलर, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बता रहा हूं बोर्ड्स के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर परपेंडिकुलर कितना हो गया, 2a साइन थीटा, तो क्या कह सकते हैं यहां पे हम लोग क्या कि अच्छा R perpendicular कितना हो गया 2a sin theta into force कितना है q into e, clear है? बहुत ही important formula है ये, torque equals to दो force अलग अलग point पे लग रहे होंगे तो उनके बीच एक R perpendicular होगा, clear है? यहां पे वो R perpendicular कितना था, d था मान लीजिए, clear है? तो R परपेंडिकुलर, तो अब हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला कितना आ गया है, Q इंटू टू ए, Q इंटू टू ए इंटू E इंटू साइन थीटा। सबको पता है कि Q इंटू टू ए क्या हो जाता है, P E साइन थीटा। तो टॉर्क इक्वल्स टू कितना आ गया, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, टॉर्क इक्वल्स टू आ गया पी ई साइन थीटा। ये टॉर्क का काम क्या है, टॉर्क का काम होता है इस डाइपोल को रोटेट करना, जैसे फोर्स का काम होता है किसी बॉडी को मूव करना, वैसे टॉर्क का काम होता है किसी बॉडी को रोटेट करना। तो टॉर्क इक्वल टू कितना आ गया, पी ई साइन थीटा। क्या ये सबको क्लियर है क्या, बोलिए क्या इतना समझ में आ गया कि यहां पे भले हमारे पास नेट फोर्स जीरो है पर टॉर्क जीरो नहीं है, हमारे पास एक टॉर्क लग रहा है जो इस डाइपोल को क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। क्लियर है, हम डाइपोल को अगर इस तरीके से रखेंगे तो वो क्या करेगा, उसको एक रोटेशन दे देगा। क्या ये सबको क्लियर है क्या, क्लियर है तो जल्दी से इसको लिख लीजिए साफ साफ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत दो लाइन का डेरिवेशन है ये। भाई थीटा पूरे हर जगह का एंगल होगा ना, ये भी तो थीटा ही होगा, दीक्षा क्या बात कर रहे हो, ये भी तो थीटा ही होगा ना,
दीक्षा मैंने क्या बता दू, अनम्यूट कर रहा हूँ, पूछिए क्या कहाँ डाउट है दीक्षा, क्योंकि एग्जैक्ट बताइए। हाँ दीक्षा बोलिए पूछिए। फिर वो जो आप बताएं एथनिक जीरो होगा उसके बाद से नहीं समझ में आया, फिर पूरा ही नहीं समझ में आया दीक्षा, इतने देर में कई बार रोका हूं आपको कि पूछो पूछो पूछो। मैंने बोला कि दो केसेस मैंने आपको बताए कि दो केसेस हमने देखा कि नेट फोर जीरो है, लेकिन एक में बॉडी रोटेट नहीं कर रहा है, दूसरे में बॉडी रोटेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्सेज जो लग रहे हैं वो एक पॉइंट पे नहीं लग रहे हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, अलग अलग लाइन में लग रहे हैं, इसके वजह से बॉडीज रोटेट कर जाती है। सेम चीज मेरा इस डाइपोल में भी हो रहा है, डाइपोल में भी जो फोर्स लग रहा है वो सेम डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, वो अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है, और इसी के वजह से डाइपोल भी रोटेट कर जा रहा है। ठीक बात। अब डाइपोल रोटेट कर रहा है मेरा, मान लिया। अब डाइपोल जब रोटेट कर रहा है तो कैसे रोटेट करेगा, कि रोटेशन का क्या फैक्टर है? तो रोटेशन को समझने के लिए हम लोग नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, टॉर्क। ठीक है, टॉर्क कहते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा ये टॉर्क क्या होता है? तो टॉर्क का मतलब होता है आर परपेंडिकुलर, यानी दो फोर्सेज लग रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास दो फोर्सेज लग रहे हैं, एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है। ठीक है, तो आर परपेंडिकुलर क्या होता है? दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है आर परपेंडिकुलर इनटू वन एक फोर्स। ठीक है, यही होता है टॉर्क। क्लियर है? तो हमने यहां पे क्या देखा, मेरे पास दो फोर्सेस क्या लग रहा है, क्यूई क्यूई। ठीक है, और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? तो कुछ नहीं किया, दोनों फोर्स का लाइन चेक कर लिया, एक ऐसे एक ऊपर में लग रहा है और एक नीचे में लाइन ऑफ एक्शन है उसका। एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और एक नीचे की तरफ लग रहा है, दोनों के बीच हमने क्या किया, एक से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ये जो लेंथ ड्रॉ किया है हमने दोनों के बीच में, वही क्या है, आर परपेंडिकुलर। अच्छा, आर परपेंडिकुलर ट्रायंगल देखो एक बार, तो ट्रायंगल देखोगे तो क्या 2a, ये अपना 2a cos थीटा और ये 2a sin थीटा हो जाएगा क्या? नीचे वाला लाइन, नीचे वाला जो है वो 2a cos थीटा, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 2a sin थीटा। कंपोनेंट ब्रेक करना सीखा था ना, f cos थीटा f sin थीटा। क्लियर है क्या? तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, f sin थीटा हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो इसी से हमने क्या किया कि r परपेंडिकुलर लिखा 2a sin थीटा into फोर्स लिखा qe, क्या हो गया q into 2a into sin theta, finally क्या बन गया PE sin theta। इसी टॉर्क को हम लोग और क्या कहते हैं, PE sin theta को ही हम लोग टॉर्क को और नाम देते हैं P cross E। Is this clear to all of you? P cross E, टॉर्क equals to होता है P cross E। क्लियर सबको? अभिषेक क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब एक बात तो और है, एक बात और है कि चलिए मान लिया फिर से कि चलिए QE लग रहा है, QE लग रहा है इधर भी और एक लग रहा है QE। या फिगर दोबारा मत बनाइएगा आप, QE लग रहा है। ये क्या कर रहा है, ये डाइपोल को रोटेट कर दे रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है डाइपोल, डाइपोल को रोटेट कर दे रहा है। ठीक है, मान लिया टॉर्क। अच्छा, कब रोटेशन जीरो होगा? तो अगर मैं बोलूं कि मेरा थीटा अगर जीरो डिग्री होगा, थीटा जीरो डिग्री का मतलब क्या होता है, थीटा जीरो डिग्री का मतलब होता है कि आपका फील्ड ऐसे है, आपका फील्ड ऐसे है, और आपका जो डाइपोल है, आपका जो डाइपोल है वो भी क्या है, कुछ ऐसे ही रख दिया है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। डाइपोल का भी डायरेक्शन क्या है आपका, कुछ ऐसे ही है। अगर मान लीजिए हम फील्ड के अलोंग डाइपोल को रख देंगे तो इस केस में हमारा टॉर्क भी क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल्स टू होता है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। तो क्या हमारा टॉर्क जीरो हो जाएगा क्या, बोलिएगा क्या हमारा टॉर्क फॉर्मूला से जीरो हो जाएगा क्या? तो इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। एक और केस लेते हैं, मान लीजिए कि हमारा थीटा अगर, हमारा थीटा अगर 180 हो जाए, अगर हमारा थीटा 180 हो जाए, इस केस में कैसे ड्रॉ करेंगे? मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा,
और हमने डाइपोल को अगर अरेंज कर दिया कुछ उल्टा, ये माइनस क्यू रख दिया और ये प्लस क्यू रख दिया, तो डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस टू प्लस होता है। अब एंगल कितना हो जाएगा, अब एंगल मेरा हो जाएगा थीटा, मेरा हो जाएगा 180 डिग्री, ऑपोजिट है दोनों, फील्ड डाइपोल अलोंग और फील्ड डाइपोल ऑपोजिट, दो डायरेक्शन में रखा। तो इस केस में भी मेरा टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर टॉर्क जीरो है मतलब रोटेट नहीं करेगा, और रोटेट नहीं करेगा तो इसको भी क्या कह सकते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम कह सकते हैं क्या, बताइए। एक तीसरा केस भी होता है, तीसरा केस भी होता है अपने पास, जब थीटा हमारा 90 डिग्री लगता है, जब थीटा 90 डिग्री होगा तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, पीई साइन 90। तो इसको कह सकते हैं साइन 90 का वैल्यू 1। याद रखिएगा ये मैक्सिमम टॉर्क लगता है जब एंगल 90 डिग्री होगा, याद रखिएगा मैक्सिमम टॉर्क का मतलब एंगल 90 डिग्री, क्लियर है क्या। यानी 0 डिग्री पे टॉर्क 0, 180 पे टॉर्क 0 और 90 पे टॉर्क मैक्सिमम, क्या क्लियर है क्या सबको। आज के बाद याद रहेगा क्या कि जब एक डाइपोल को हम लोग फील्ड में रखते हैं तो अलोंग रखेंगे, ऑपोजिट रखेंगे, दोनों केस में इक्विलिब्रियम रहेगा, कोई टॉर्क नहीं लगेगा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा, ठीक है, और ये डाइपोल को कुछ इस तरीके से रोटेट कर देगा, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बताओ, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। मैंने फॉर्मूला के हिसाब से बोला, जीरो पे 180 पे, ये साफ साफ लिखोगे तो समझ में आएगा कि क्या कर रहे हैं फॉर्मूले के साथ। बोलिए कोई दिक्कत है तो बताइए। फॉर्मूला भी याद रखना है, टॉर्क इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, हो गया, आगे बढ़े, से यस इफ रिटन। कोई दिक्कत नहीं, रियांश लिख लीजिए, लिख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, लिखो समझो टाइम दो, कोई जल्दी नहीं है। जो अभी पढ़ा रहा हूं ये आगे जाके मैग्नेटिज्म में फिर पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए एक और पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग, ठीक है, एक और पॉइंट पे बात करते हैं, वो है पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए फिर से एक डाइपोल है, थीटा एंगल से इंक्लाइंड है, माइनस क्यू पे वही फोर्स लगने वाला सिस्टम है, फिर से रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया डाइपोल, ठीक। अब यहां पे एक पॉइंट आता है कि जब डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है, फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, अगला टॉपिक है, सब टॉपिक है इसका, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है U इक्वल्स टू होता है, वो होता है टॉर्क का इंटीग्रेशन विद d थीटा, क्लियर है। अच्छा टॉर्क कितना है, PE साइन थीटा इंटू d थीटा, तो क्या लिख सकते हैं, क्या PE बाहर आ जाएगा,
साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस पीई कॉस थीटा, साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कॉस थीटा इंटीग्रेशन। तो हमारा जो U होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल, U इक्वल्स टू होगा माइनस पी इंटू ई इंटू कॉस थीटा, या इसको और भी कह सकते हैं U इक्वल्स टू माइनस ए पी कॉस थीटा है। तो याद करिए A डॉट B इक्वल्स टू कितना होता है, ए बी कॉस थीटा होता था, तो यहां पे लिख सकते हैं P डॉट E। दो फॉर्मूले हैं हमारे पोटेंशियल एनर्जी के, इंपॉर्टेंट, दो तरीके से लिख सकते हैं, पी कॉस थीटा या यू इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्या ये सबको क्लियर है? ये हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अच्छा, आपको भी पता है कि अगर मैं बात करूं कि थीटा अगर जीरो डिग्री होगा, थीटा अगर जीरो डिग्री होगा तो यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, यू का वैल्यू हो जाएगा माइनस पी इंटू ई कॉस जीरो का वैल्यू हो जाएगा माइनस। अगर इसको हम देखें तो ये पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू होता है, मिनिमम, ये पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम होता है वैल्यू, इससे कम नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूं थीटा 180 पे, अगर मैं बात करूं थीटा 180 पे, यू का वैल्यू हो जाता है, कॉस 180 का वैल्यू माइनस वन होता है, तो मान लीजिए पीई कॉस थीटा है तो कॉस 180 का वैल्यू जो होता है वो माइनस वन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो कितना हो जाएगा पी इंटू ई। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू है, याद रखिएगा कि मिनिमम वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी का और मैक्सिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम, जब भी कभी एनर्जी मिनिमम हो इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, याद रखना है, अगर एनर्जी मिनिमम हो इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर एनर्जी मैक्सिमम हो उसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी इक्विलिब्रियम भी दो टाइप के हैं, एक है स्टेबल, दूसरा है अनस्टेबल, ये सब पढ़ा चुका हूं लास्ट क्लास में। इक्विलिब्रियम यानी हमने जो बात किया था कि थीटा जीरो और थीटा 180 हो रहा था यहां पे, जो इसमें से हमारा थीटा जीरो वाला जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और थीटा 180 वाला जो है वो क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? तो ये क्लियर हो गया एनर्जी से कि जहां एनर्जी कम होता है वो स्टेबल होता है, जहां एनर्जी ज्यादा होता है वो अनस्टेबल होता है। क्लियर है? तो क्या ये सबको क्लियर है? क्या थीटा जीरो पे हमारा कितना हो जाएगा, माइनस पी इंटू ई, थीटा 180 पे कितना हो जाएगा, प्लस पी इंटू ई। क्लियर है क्या? जल्दी से इस पोटेंशियल एनर्जी को लिखिए, कहीं कोई डाउट है तो पूछिए। Everyone, note it down. कहीं कोई दिक्कत है तो पूछिए, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया बीच में तो नोट इट डाउन। टॉर्क होता है पीई साइन थीटा और पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस पीई कॉस थीटा। और देखेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारे बन जाएंगे हमसे। जस्ट नोट इट डाउन।
हो गया? टेल व्हेन इट्स डन, लिख लोगे तो. लिख लिया जल्दी? चलिए देखते हैं. सो अब मान लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी समझ गया, पीई कॉस्ट माइनस पीई कॉस्ट थीटा होता है. अब मान लीजिए कि हम रोटेट करना चाहते हैं इस डाइपोल को. रोटेट करने में हमें कितना काम वर्क करना पड़ेगा? एक और टॉपिक आता है इसमें, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल. वर्क डन छोटा टॉपिक है और ये 2-3 बार आएगा इस पूरे साल में. वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल. ठीक है, दीक्षा ने पूछा है सर स्टेबल में जो पोजीशन को रीगेन कर ले और अनस्टेबल में जो अपने पोजीशन को रीगेन ना करे, बिल्कुल उसी को कहते हैं. बिल्कुल दीक्षा ने बड़ा सही पॉइंट किया कि सर स्टेबल इक्विलिब्रियम उसको कहते हैं जो अपने पोजीशन को रीगेन ना करे, मतलब रीगेन कर ले. मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि बॉडी को अगर इक्विलिब्रियम से हल्का भी डिस्प्लेस करेंगे फिर से उस पोजीशन पे आ जाएगा. अनस्टेबल का मतलब होता है कि अगर उसको डिस्प्लेस करेंगे तो और उल्टा चला जाएगा. ठीक है, चलिए देखते हैं. तो अगला टॉपिक ये देख रहा हूं, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, रोटेटिंग डाइपोल. देखते हैं, देखते हैं ये क्या होगा. याद रखिए कि मान लीजिए अगर हम डाइपोल को जो पहले थीटा वन एंगल पे था इससे रोटेट करके हम इसको थीटा टू एंगल पे लेके जा रहे हैं. मान लीजिए व्हेन डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम वन एंगल टू अनदर, तो इस केस में जो हमारा वर्क डन होता है इज इक्वल टू, वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. यानी क्या कह सकते हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर है? अच्छा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो थीटा वन से थीटा टू जा रहे हैं तो थीटा टू वाला पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? माइनस पीई कॉस थीटा टू, फिर से माइनस इनिशियल कितना होगा? माइनस पीई कॉस थीटा वन. क्लियर? अगर इसको माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा तो फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा? पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू. याद रखने वाला फॉर्मूला ये है, पीई कॉस थीटा वन माइनस पीई कॉस थीटा टू. क्लियर है? जल्दी देखते हैं, इसको लिख लेते हैं. वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल में हम लोग इसको लिख सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. फाइनल अपने को पता है थीटा टू पे जाना है तो थीटा टू का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? माइनस पीई कॉस थीटा टू. इनिशियल कितना होगा? माइनस पीई कॉस थीटा वन. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बीच में तो क्या बचेगा? पी कॉस थीटा वन प्लस होगा तो कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम वन एंगल टू अनदर. और टेंशन नहीं, अपने क्वेश्चन करके सीखेंगे इसको. ठीक है, किसी को भी कोई दिक्कत है तो पूछिए पहले और जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए. हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफिशियली अभी खत्म हुआ. ठीक है, जल्दी नोट करें सब लोग.
दीक्षा आपका क्वेश्चन पूरा पढ़े थे और पूरा समझाए भी, सुना नहीं आपने ध्यान से लगता है। दोनों केस नहीं बताया कि 0 और 180 पे क्या होता है। अपना कान बंद रखोगे फिर बोलोगे सर पूरा नहीं पढ़े क्वेश्चन। पूरा तो पढ़ा है, आपने बोला 0 पे स्टेबल रहेगा, 180 पे अनस्टेबल रहेगा, 0 पे रिगेन करेगा, 180 पे रिगेन नहीं करेगा। समझ में भी आना चाहिए। देखो तीन फॉर्मूला बताए हैं, टॉर्क पीई साइन थीटा, पोटेंशियल जी माइनस पीई कॉस थीटा, और वर्क डन पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। देखते हैं कितना फॉर्मूला रिगेन कर सकते हैं। ये डेरिवेशन ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, इसीलिए कह रहा हूं नोट्स एकदम प्रॉपर होना चाहिए। चलिए जो लिख चुके हैं वो क्वेश्चन करने की कोशिश करें। बहुत आसान सवाल है, लैंग्वेज पढ़ने पर फोकस करें। जल्दी ट्राई करें। आसान सवाल है, सबसे बन जाएगा, ट्राई करो। परसों एनसीईआरटी किसी का भी एक भी क्वेश्चन बचना चाहिए, पूरा क्वेश्चन करके आओगे सब लोग, और इस बैच का एक भी बच्चा गायब नहीं होना चाहिए उस दिन एनसीईआरटी वाले डिस्कशन के, क्योंकि होमवर्क में सब लोग बहुत गायब रहे हो, मैं कुछ बोला नहीं हूं। एनसीईआरटी के डिस्कशन में कोई गायब हुआ मैं छोड़ूंगा नहीं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन विद इंडेक्स करके आओ, और अगले दिन वाइवा, अगले वीक के वाइवा के लिए भी तैयारी करो। वाइवा के लिए जोर से तैयारी करो, क्योंकि बीच में पता नहीं मेरा मूड ठीक मेरा, अगर तुम लोग नहीं पढ़ रहे होगे तो बीच में बोल दूंगा कि पेरेंट्स को भी वाइवा में जोड़ दूंगा साथ साथ। 20 के बदले 40 हो जाएंगे, वे सामने बेइज्जती होगी। अब अपने चैप्टर का रिवीजन शुरू कर दो, जल्दी करो, ट्राई करो। क्वेश्चन आसान सवाल है, बन जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ो बस, हर चीज दिया हुआ है, बिल्कुल सही आ रहे हैं, 100% करेक्ट, एक्सेलेंट। टेंशन मत लीजिए, वाइवा के लिए आप बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए दिव्यांशु, हम पूछेंगे क्वेश्चन। वाइवा का मतलब होता है नथिंग रिटन, विल आस्क क्वेश्चंस। सिर्फ 10^-4 भी लिखते हैं निमेश तो चल जाता काम। हो गया, हमारे पास आर्यन, आर्यन का आंसर आ चुका है, निमेश का आ चुका है, अनुष्का का आ चुका है, दीक्षा का आ चुका है, एक्सेलेंट, वेरी गुड। 4 लोगों के आंसर आ चुके हैं, शोज कि आप लोगों ने सॉल्व हो रहा है आप लोगों से। स्टिल मैं रोशन, अभी तक आंसर नहीं आया, दिव्यांशु, संदेश, तमन्ना, सौरभ, और रोशन दूसरे वाले से मैं एग्री नहीं करता हूं, पहले वाला भी गलत है। फर्स्ट सेकंड दोनों गलत है,
प्रत्यूष ट्राई करें। आपके पास डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है पी, कूलंब मीटर, आपके पास थीटा दिया हुआ है दोनों के बीच का 30 डिग्री, आपके पास ई दिया हुआ है, बिल्कुल सही प्रत्युष समृद्ध, वेरी गुड। सॉल्व करोगे तो बिल्कुल होगा, देखो सॉल्व हो गया ठीक। तो आपके पास पहला पूछ रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, फॉर्मूला बेस्ड है सीधा सीधा, टॉर्क इक्वल्स टू क्या है, आर्यन सही है, पीई साइन थीटा, टॉर्क इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। शोएब देखिएगा सॉल्व करो, 4 × 10⁻¹⁹ ई का वैल्यू कितना है, 5 × 10⁴ साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2 कितना हो गया, 2 times हो गया, 5 × 10⁻¹⁹ कितना हो गया, -5 हो जाएगा, -9 + 4 कितना हो जाएगा, -5, इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻¹⁴, टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, क्लियर है, टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। Is this clear to all of you? क्या सबको क्लियर है ये? संदेश आशुतोष क्लियर है क्या? अब सवाल आता है कि also find the work required to rotate the dipole to make 90 degree with the direction of field. यानी इनिशियली जो हमारा एंगल है वो 30 डिग्री है और मेरा फाइनल जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो मुझे बताना है वर्क डन ड्यूरिंग द, सबको पता है वर्क डन का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, पीई कॉस थीटा 1 − cos θ2। Is it clear? वैल्यू पुट करते हैं ना सब लोग, पीई का वैल्यू निकालते हैं, पी कितना है, 4 × 10⁻¹⁹, ई कितना है, 5 × 10⁴, कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा, कॉस 30 − cos 90, सबको पता है कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, कॉस 90 का वैल्यू ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और इसका वैल्यू होता है √3/2। सॉल्व करते हैं, 5 × 4 = 20 हो जाएगा, × 10⁻¹⁵ × cos 30 कितना, √3/2 −0 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 कितना बन जाएगा, √3 × 10⁻¹⁴ J। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आर्यन समझ में यही आया था आंसर, रोशन दीक्षा सेकेंड पार्ट आया समझ में, दिव्यांशु हर्षित निखिल सबको आ गया समझ में? एक और ट्राई करते हैं, चलिए एक और ट्राई करते हैं, ट्राई दिस, इसके बाद इस चैप्टर को निपटा के आगे बढ़ेंगे हम लोग।
बहुत आसान सवाल है, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। माइक्रो न्यूटन कह रहे हो क्या रोशन? थोड़ा माइक्रो न्यूटन यूनिट ठीक लगता नहीं है वैसे, एक्चुअली इफ करेक्टली आई वुड से यूज नहीं होता, सीधे सीधे न्यूटन में लिख देना, जब माइक्रो लिखने की जरूरत है। और पावर जब लिख ही रहे तो 10^9 लिख दे फिर। आंसर तो सही है आपका, मेरा मुझे लग रहा है तो आंसर सही है आपका, ठीक है। अरे थोड़ा आंसर देख लो यार, वेरीफाई कर लो, मुझे गलत लग रहा है हल्का, हल्का गलत लग रहा है, तुमने माइक्रो को सॉल्व नहीं किया। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन, पूछ रहा है मैक्सिमम टॉर्क, सोचना पड़ेगा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो पी साइन थीटा। मैक्सिमम कब होगा, क्या होगा, कितना होगा, बिल्कुल सही आ रहे ना गया मेरे पास। अनुष्का आपकी भी गलती भैया, आपने माइक्रो जूल को नहीं कंसिडर किया। अभिषेक काफी शांत बैठे हो, सॉल्व करो क्वेश्चन, ऐसे कैसे चलेगा। नीलू मुझे लगता है ना वो वॉचमैन वाली आवाज लगानी पड़ेगी, जागते रहो। ओम हल्का सा कैलकुलेशन कहीं हिल गया है, ऑलमोस्ट आंसर करेक्ट है। तो मैं ना वॉचमैन वाली आवाज निकालूंगा, जागते रहो जागते रहो। निखिल निखिल कैलकुलेशन हिल गया हल्का सा, चलो देखते हैं, सब कैलकुलेशन चेक करो। दिव्यांशु 100% करेक्ट, गॉट इट। चलो पहले क्या क्या दिया हुआ मैं तो देखूंगा। अच्छा डाइपोल है जिसमें दो चार्जेस, तो डाइपोल का चार्ज दे दिया आपको 10^-6 कूलम। माइक्रो को तो मैं सीधे हटाता हूँ। अनिमेश बिल्कुल सही है, अनुष्का आपका गलत था हल्का सा, मैंने बोला था ना पावर वाला इशू था, ठीक है। क्यू अच्छा दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो 0.02। सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वो डाइपोल मोमेंट निकालना चाहिए, वो कितना होता है क्यू इंटू डी, तो कितना हो जाएगा 0.02 × 10^-6 कूलम मीटर। इसको और लिख सकता हूं 2 × 10^-2 × 10^-6 = 2 × 10^-8 कूलम मीटर। इज इट क्लियर? डाइपोल मोमेंट क्लियर है क्या सबको? डाइपोल मोमेंट आ गया 2 × 10^-8। अब आपसे बोल रहा है ई की वैल्यू दी गई है 10^5 न्यूटन पर कूलम। तो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू पी इंटू ई। क्यों? क्योंकि थीटा कितना होता है इस केस में, थीटा होता है 90 डिग्री, तब मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। मैक्सिमम टॉर्क पी इंटू ई होगा, तो पी कितना है अपने पास 2 × 10^-8 इंटू ई कितना है 10^5 = 2 × 10^-3 न्यूटन मीटर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलिए बच्चों क्लियर है क्या?
क्या ये सबको क्लियर है? हाँ, उसका माइनस का डिफरेंस होगा भाई, क्या तो बड़ा बड़ा मिस्टेक था। चलो बढ़िया, सबके थोड़े बड़े कैलकुलेशन की गड़बड़ियां होंगी। अब नया चैप्टर, नया टॉपिक, हेडिंग डालते हैं सब लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चैप्टर नया मत डालो, चैप्टर मत डालो, हेडिंग डालो बड़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए, वी आर इनटू द न्यू टॉपिक, एंड अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाओ तो नए चैप्टर में। स्लाइड नीचे करो दिव्यांशु, तुम्हारा तो सही था दिव्यांशु, क्या करोगे, क्या करोगे नीचे करके। चलो आंसर तो आ ही गया था तुम्हारा, दिक्कत है क्या, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो। हो गया, चलो दीक्षा आंसर नहीं आ रहा, चलिए अब तो टॉपिक बदल गया। अब तो अच्छा क्वेश्चन के लिए था। हाँ क्वेश्चन के लिए देखो, क्वेश्चन के लिए तुम मुझे रोक दिया करो कि सर लिखने के लिए भी टाइम चाहिए, मैं रुक जाऊंगा, नहीं तो फिर तुमको स्लाइड के इंतजार, स्लाइड मिलेगा, स्लाइड तो वैसे मैंने अपलोड तुरंत ही कर देता हूँ मैं सारा, फिर भी टाइम वेस्ट होता है उससे आपका। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम पढ़ना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं पहले समझाऊंगा फिर डेफिनेशन को बताऊंगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो मान लीजिए कि मेरे पास है क्यू चार्ज, मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक क्यू चार्ज है, ठीक है, क्यू चार्ज। अब इस क्यू चार्ज में अगर मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि किसी क्यू नॉट चार्ज, कोई एक ऐसे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को ला करके हम पॉइंट पी पे रख दें, तो जब आप उसको ला रहे होंगे तो क्या ऐसा नहीं होगा क्या कि ये चार्ज उसको रेपेल करेगा? क्या ये चार्ज उसको रेपेल नहीं करेगा क्या? तो जब रिपेल कर रहा होगा तो आपको कुछ वर्क बाहर से लगाना पड़ेगा, आपको कुछ बाहर से वर्क करना पड़ेगा, इसको कहते हैं हम लोग वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी का मतलब कि ये जो क्यू नॉट चार्ज है बहुत दूर था पहले, बहुत दूर था, दूर से हम ला करके किसी पॉइंट पे ला के रखना है अपने, तो इसके लिए पक्के तौर पे हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। ये होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट हम हो सकते हैं, कोई बाहरी फोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि एक टेस्ट चार्ज को अगर हम इंफिनिटी से कहीं पे ला के रखना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा, तो यही वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज, यानी इस क्यू नॉट चार्ज को एक कूलम चार्ज, पर यूनिट कूलम चार्ज को लाने में जो हमें वर्क करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं थोड़ा डेफिनेशन को फिर से समझाता हूँ। मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कि किसी हम एक कूलम, मान लीजिए कि किसी क्यू नॉट चार्ज को हम लेके आना चाहते हैं इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे, ठीक है। इसके लिए जो हमें वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थोड़ा डेफिनेशन समझने की भी कोशिश करते हैं, देखते हैं डेफिनेशन क्या कहता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सम सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज क्या है मेरे लिए यहाँ पे क्यू है, सोर्स चार्ज मेरे लिए यहाँ पे क्या है डेफिनेशन के हिसाब से क्यू है। एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट क्या है, पॉइंट कौन सा है, किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, पी पॉइंट पे। सो इस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, इन टेकिंग अ पॉइंट यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पॉइंट चार्ज मतलब, यूनिट चार्ज का मतलब एक कूलम चार्ज को लाने में, पर यूनिट चार्ज कह सकते हैं। From a reference point, generally जिसको reference point का मतलब generally infinity कहते हैं। Infinity मतलब बहुत दूर है, वहाँ पे कोई potential नहीं है। From infinity to a point without any acceleration, मतलब हमको infinity से जो charge particle लाना है वो बिना किसी acceleration के लाके रखना है। फिर से मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा लिखने के पहले।
मान लीजिए कि मेरा एक मेरे पास एक चार्ज है और इसके आसपास के रीजन में फील्ड क्रिएट हो गया है, ठीक बात, हम मानते हैं। अब इस फील्ड में कोई बाहर से जाके चार्ज लाके रखना चाहते हो तो आपको वर्क करना पड़ेगा, तो वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है क्या? जल्दी से इसको लिख लेते हैं, उसके बाद में दो तीन पॉइंट और बताऊंगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है। डेफिनेशन आएगा तो ये लिखेंगे मैथमेटिकली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्लियर? इसका मैं डेरिवेशन बताऊंगा, पहले ये फॉर्मूला लिख लेता हूं। और ये काम हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में भी पढ़ा, ये चीज हमने वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज, वहां पर यूनिट मास था। जल्दी नोट नोट करें। आशुतोष ने एक सवाल पूछा कि सर विदाउट एक्सेलरेशन कैसे लेके आएंगे, ठीक है मैं इसको समझाता हूं। आशुतोष थोड़ा लिख लो पहले इसको, क्योंकि सबके लिए काम की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है ये। एक चार्ज पार्टिकल को आप इंफिनिटी से लेके आना चाहते हो बिना किसी एक्सेलरेशन के। अच्छा आशुतोष, अगर मान लीजिए कि एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब वेलोसिटी भी नहीं बढ़ेगा, स्पीड भी नहीं बढ़ेगा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? स्पीड बढ़ाना। तो अगर स्पीड नहीं बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बढ़ेगा, तो हमें कुछ ऐसे लेके आना है कि एक्सेलरेशन हर वक्त जीरो हो, हर वक्त हमारे चार्ज पार्टिकल पे एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो। अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो हम कह सकते हैं कि मेरी वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी और मेरी काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बढ़ेगी। क्लियर है? और मैं अभी उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल अगले स्लाइड में भी दिखाऊंगा। तो ये है, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसके बारे में दो तीन पॉइंट और लिख सकते हैं। पहली पॉइंट, इसका यूनिट, यूनिट क्या होता है इसका? यूनिट होता है इसका जूल पर कूलम, और फेमस यूनिट जो होता है वो होता है वोल्ट। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एट रेफरेंस पॉइंट, एट रेफरेंस पॉइंट मतलब इंफिनिटी पे, एट रेफरेंस पॉइंट मतलब एट इंफिनिटी we assume potential to be zero. Clear है क्या? That's it. ये सब points अपने लिख लो। पहले तो unit जानते हो, scalar quantity है, work scalar quantity, तो ये भी क्या होगा? Scalar quantity होगा। ये positive भी हो सकता है और negative भी हो सकता है। Clear है? और अब अगला जो derivation करेंगे ना, ये जो भी बचा कुछ आपको doubt है वो अगले derivation में clear हो जाएगा, क्योंकि दिखाएंगे कि कैसे work निकालते हैं हम लोग। ठीक है, जल्दी से करें इसको, नोट कर लो तो से एटलीस्ट यस, ताकि हम तो अगले अगले डेरिवेशन पे लेके जा सकें।
जल्दी लिखें। अभी तक काफी लोगों ने लिख लिया, जल्दी से, स्टिल वेटिंग, लास्ट 30 सेकेंड्स। चलिए लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब आपके मन में कई सवाल अभी भी होंगे कि सर कैसे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कैसे लेंगे, पर यूनिट चार्ज कैसे लेंगे। तो मैं अभी आया ही अभी इसी को बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए आपको एक सोर्स चार्ज चाहिए। सोर्स चार्ज आप मान लीजिए, मैं कैपिटल क्यू अभी बताया था तो कैपिटल क्यू मान लेते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है एंड में, एंड रिजल्ट आपको क्या है, आपको एक क्यू नॉट चार्ज ला करके यहां रख देना है आर डिस्टेंस पे। सारा मकसद इसी के लिए कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और हम मान लेते हैं, अभी मान लेते हैं ठीक है, मान लेते हैं अभी कि अभी हम किसी x डिस्टेंस पे, हमारा वो x डिस्टेंस पे हम रखे हुए, ठीक है। मान लीजिए कि अभी हमारा जो q नॉट चार्ज है कुछ यहां पे है, हम यहां पे है हमारा q नॉट चार्ज, मान लीजिए कि अभी हमारा q नॉट चार्ज यहां पे है, ठीक है। हमें लाना है p पे, हमें p पे लेके आना है, q नॉट चार्ज हम अभी रखे हुए, सब कुछ स्टेटमेंट वाइज लिखवाएंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। और मान लेते हैं कि हमारा इस सोर्स चार्ज से अभी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो x है, वो x है। और मान लीजिए कि यहां पे हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं इसको dx का, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं dx का, ठीक बात। चलिए x डिस्टेंस पे है, dx का छोटा डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं और q नॉट चार्ज को हम ले आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, ये जो क्यू नॉट चार्ज क्यू के पास जैसे ही आएगा तो क्यू क्यू की वजह से इसमें फोर्स लगने लगेगा, आपको भी पता है, ठीक है। अब मैं खैर फोर्स फोर्स पे आने के पहले मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, कंसीडर, ठीक है थोड़ा लिखते हैं, कंसीडर अ सोर्स चार्ज, अ सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू विद अ पॉइंट पी, विद अ पॉइंट पी एट डिस्टेंस, एट डिस्टेंस आर, क्लियर है। पहले हमने सोर्स चार्ज अज्यूम किया और उसके आर डिस्टेंस पे हमने एक पी पॉइंट अज्यूम किया, ठीक है। देखते हैं, अ टेस्ट चार्ज, अगला लिखते हैं, अ टेस्ट चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी, इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ a point, to a point at distance x, x from source charge. मतलब कि हम q नॉट चार्ज को, टेस्ट चार्ज का मतलब क्या हो जाएगा, q नॉट, टेस्ट चार्ज q नॉट को हम इंफिनिटी से x डिस्टेंस पे लेके चले आए हैं। बोलिए क्लियर है क्या, इंफिनिटी पे था उसको x डिस्टेंस पे लेते आए, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया क्या, स्टेटमेंट समझ में आया क्या, कि पहले इंफिनिटी पे था q नॉट था उसको x डिस्टेंस पे लेके चले आए, और मकसद कहां पे लेके जाना है, p पे, p पे ले जाना हमारा मकसद है फाइनली,
ठीक है। तो अब क्यू नॉट पे अगर देखें, अगर क्यू नॉट पे देखें तो दिक्कत क्या है कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लगेगा, सबको पता है दो चार्ज के बीच क्या लगता है, लाइक चार्ज रिपेल, तो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो लाइक चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो कैसे फोर्स लगेगा, कैसे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फोर्स। और सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। लेकिन आपको पहले आशुतोष आपने जो सवाल पूछा था कि सर बताइए सर एक्सेलरेशन जीरो कैसे होगा, तो क्या हमने ये नहीं पढ़ा था कि एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, बॉडी पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो क्यों ना हम भी एक ऐसा ऑपोजिट फोर्स लगा देते हैं, हम भी एक ऑपोजिट फोर्स लगा देते हैं एफ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कौन लगाएगा, हम लगाएंगे, तो हम भी क्या लगा देते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं विच इज इक्वल एंड ऑपोजिट, ताकि नेट फोर्स कितना हो जाए, जीरो। बोलिए क्या हम भी एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दें, क्या कितना हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, इज इट क्लियर, क्या एक्सटर्नल फोर्स हमने निकाल लिया, क्या बोलिए, कोई दिक्कत है क्या इसमें, किसी को भी कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, यहां तक सब लोग लिखेंगे, सब लोग ये फिगर साफ से बनाएंगे, कहीं कोई दिक्कत है तो पूछो, इसके बाद तो इंटीग्रेशन है, सॉल्व हो जाएगा आराम से, यही पहला ही पॉइंट समझना है अपने को, फॉर्मूला वर्मूला बहुत ईजी है इसका, आप बस डेरिवेशन पर फोकस करो, क्योंकि यही दिमाग लगाने वाला चीज है, हमको इन्फिनिटी से पी लेके जाना है, हम बीच में कहीं एक्स डिस्टेंस पे रख दिए, ठीक बात, रख दिए हम लोग एक्स डिस्टेंस पे, अब एक्स डिस्टेंस पे उसके दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है कितना, 1/4πε0qq/x2। तो हमारा मकसद लाना जरूर है चार्ज को, लेकिन वो बिना बिना किसी एक्सेलरेशन के लाना है, तो बिना किसी एक्सेलरेशन का लाना है तो आपको भी उतना ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट, तभी नेट फोर्स जीरो होगा, तभी ना क्यू नॉट पे कह सकते हो आशुतोष की नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। क्या हम यहां पे कह सकते हैं क्या कि नेट फोर्स क्या है, यहां पे नेट फोर्स बेसिकली क्या है, जीरो है, नेट फोर्स यहां पे क्या है, जीरो है, इसीलिए एक्सेलरेशन भी क्या है, जीरो है। अगर नहीं लगाते एक्सटर्नल फोर्स तो कह सकते थे क्या कि एक्सेलरेशन जीरो है, बोलिए क्लियर है, कोई दिक्कत है तो पूछिए। आशुतोष ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, आशुतोष ने बोला कि सर मान लीजिए कि अगर नेट फोर्स अगर जीरो हो गया तो चार्ज मूव कैसे करेगा, फिर आप कह रहे हो कि सर नेट फोर्स जीरो कर दीजिए, नेट फोर्स जीरो कर दीजिए यानी एक्सटर्नल फोर्स आपका जीरो हो जाए तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो चार्ज कैसे मूव करेगा। यहां पर हम ऐसा मानते हैं आशुतोष कि चार्ज को बहुत ही स्लोली मूव कर रहे हैं, ऑलमोस्ट जीरो के स्पीड से, ऑलमोस्ट, ठीक है, क्योंकि नेट फोर्स मेरा क्या है, जीरो है, क्लियर है क्या आशुतोष, और नेट फोर्स जीरो है तो अगर चार्ज रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, लेकिन अगर चार्ज अगर स्लोली मूव कर रहा है तो उसी स्पीड से मूव करता रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज करता है, ऐसा थोड़े है कि रोक देता है बॉडी को। जल्दी लिख लो तो से यस, तो आगे बढ़ेंगे। नहीं नहीं दिव्यांश, जीरो की स्पीड नहीं, ऑलमोस्ट, थोड़ा जीरो से हल्का ज्यादा, मतलब वेरी वेरी स्मॉल स्पीड,
इसीलिए इसको कहते हैं कि चार्ज इज ब्रॉट वेरी वेरी स्लोली. मतलब ऐसा लाए कि कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हुआ. ये हमें आइडियल सिचुएशन हमने माना ऐसा. टेंड्स टू जीरो, एंड्स टू जीरो, टेंड छूट गया. ठीक है, चलिए देखते हैं. चलिए देखते हैं, अब थोड़ा सा आगे की बात करते हैं. चलो फोर्स समझ गया, फोर्स लग रहा है इतना, फोर्स समझ में आ गया. अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है. मान लीजिए कि फोर्स तो लगा रहे, पर अगर कोई पूछे मेरे से कि डिस्प्लेस, देखो वर्क डन, मेरे को क्या निकालना है, समझो मैं क्या कर, मुझे क्या निकालना, मुझे निकालना है वर्क डन. वर्क डन इक्वल्स टू होता है एफ वेक्टर, F dot S, displacement, force dot displacement, ठीक है. तो F तो मेरे को चलो पता चल गया है, लेकिन मेरे को displacement का पता अभी भी नहीं है. तो displacement कितना होगा ये समझने की कोशिश करते हैं. अगर मैं बोलूं कि छोटे से पीरियड में जो displacement हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो वो माइनस dx हो रहा है. यही सबसे क्रिटिकल पॉइंट है जो आपको समझने में दिक्कत होगी. आपका सवाल होता है सर सीधा सीधा dx लेंथ मूव कर रहा है तो माइनस dx क्यों लिख रहा. डिस्प्लेसमेंट मैं लिख रहा हूं छोटे से पीरियड में कि वहां x पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो माइनस dx का हो रहा है. तो आपके मन में सवाल आता है सर माइनस क्यों, प्लस क्यों नहीं. कारण ये है कि जब आप क्लोज जा रहे हो तो x बढ़ रहा है या घट रहा है आप बताओ. क्या x डिक्रीज कर रहा है, क्या क्या x हमारा डिक्रीज कर रहा है क्या. और अगर x डिक्रीज कर रहा है तो जो चेंज इन x होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा. कोई नंबर डिक्रीज करता है तो चेंज क्या होता है, नेगेटिव होता है. इसीलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, माइनस डीएक्स. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है. अब तीसरी बात पे आते हैं. अब फोर्स भी हम ऐसे लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स हमारा ऐसे है और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी उसी लाइन में, तो दोनों के बीच हमारा थीटा कितना हो जाएगा, जीरो डिग्री. क्लियर है. अब हमारे लिए वर्क डन निकालना आसान हो गया. अगर कोई मेरे से पूछे कि बताइए वर्क डन कितना होगा, डी डब्ल्यू, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो मैं कैसे कहूंगा, एफ डॉट डी एस. क्लियर है. देखिएगा एफ डी एस को क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल. एफ कितना है, 1/4 pi epsilon naught क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर. डिस्प्लेसमेंट कितना है, माइनस डी एक्स इंटू कॉस जीरो. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्या सबको ये पूरा क्लियर है, यहीं पे हमारा पूरा खेल है. तो क्या हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू, नाउ वर्क, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन में बता रहे हैं आपको, क्या लिख सकते हैं, माइनस 1/4 pi epsilon naught क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. मुझे अगर कोई कहे कि टोटल वर्क निकालिए तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू, देखते हैं, कॉमन चीजें, कॉन्स्टेंट चीजें बाहर कर लेते हैं, क्या बचेगा सिर्फ 1/x² इंटू डी एक्स. लेकिन x कहां से कहां ला रहे हैं हम लोग, तो क्या हम लोग x पहले इंफिनिटी से, क्या हमको r डिस्टेंस पे लाके रखना है, क्या बिल्कुल रखना है. तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि माइनस क्यू क्यू नॉट बाई 4 pi epsilon naught 1/x² का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1/x इंफिनिटी आर. क्लियर है. मैं माइनस साइन को बाहर ले लेना चाहूंगा,
मैं माइनस साइन को अगर बाहर ले लूंगा तो मेरा बाहर लेते लेते प्लस हो जाएगा पूरा का पूरा, कितना हो जाएगा q q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर, माइनस वाला बाहर ले लिया है, माइनस 1 बाई इंफिनिटी विच इज इक्वल टू फाइनल फॉर्मूला, 1 बाई इंफिनिटी जीरो होता है, तो फाइनल फॉर्मूला पे हम लोग आते हैं, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, क्लियर है, दैट इज फॉर्मूला वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। इसी को आगे जाके हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लेते हैं, नाम से जानते हैं, अगला टॉपिक हमारा वही रहेगा और ये डेरिवेशन फिर दोबारा करना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो नहीं करेंगे। समझ में आ गया ना कि जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है यही है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, लेकिन हमको जरूरत नहीं है, हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो अब हमारे पास फॉर्मूला कितना आ गया, 1/4πε0 q q by r, क्लियर है, जल्दी से इतना लिख लीजिए, डाउट होगा तो वो भी क्लियर करूंगा, थोड़ा सा फंडे और दूंगा फिर क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। अब मैं एक बार समराइज कर दूंगा, बहुत आसान टॉपिक है, आपको सब कुछ क्वेश्चन बन जाएगा, दो तीन जल्दी जल्दी ये छोटे वाले क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ेंगे, जल्दी इसको लिख लें, ये पूरा डेरिवेशन लिख लें, कहीं कोई तकलीफ आ रही है तो पूछ लें। मैंने उस छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले वर्कडन निकालना है, एफ डॉट डी एस या डी डब्ल्यू निकाला पहले, और फिर टोटल वर्कडन के लिए उसको इंटीग्रेट कर दिया है, और ये डेरिवेशन कुल मिला के 4-5 बार आता है सिलेबस में। जल्दी लिखिए इसको, जल्दी नोट इट डाउन, मैं समराइज कर दूंगा फिर देखिएगा, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो हमारे छपरा में सुबह सुबह 10 बजे तक मार्केट खुला रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे 30% लोग अपने काम के लिए निकलते हैं सुबह सुबह, और 70% लोग ये देखने निकलते हैं कि कौन कौन बाहर निकला हुआ है, मिला जुला करके सुबह सुबह ट्रैफिक जाम तक की हालत हो जाती है। आप लोग बच के रहें, घर पे रहें, बाहर ना निकलें। लिख लिया प्रत्योष, दीक्षा प्रत्योष, दो ही लोगों ने लिखा है अभी तक, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, लिख लो कोई जल्दी नहीं है। समराइज कर देता हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे।
लिया। चलो एक बार समराइज कर देता हूं। पर ठीक है ना, परमिशन नहीं मिल रहा बाहर जाने का, ये तो बढ़िया बात है। चलिए जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, मैं सब कुछ एक बार फिर से याद दिलवा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए आपके पास क्यू चार्ज, ठीक है, क्यू चार्ज से अगर आप देखना चाहते हो आर डिस्टेंस पे, पोटेंशियल देखना चाहते हो, तो पोटेंशियल इक्वल्स टू कितना होगा, 1/4 pi epsilon naught क्यू अपॉन आर। ये मैंने पहले ही बताया था, के क्यू बाई आर फॉर्मूला मैंने पहले बताया था पोटेंशियल का। याद रखिए जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर पोटेंशियल होगा, हायर पोटेंशियल होगा। जितना चार्ज जितना दूर जाएंगे पोटेंशियल उतना ही कम हो जाएगा। तो V इक्वल्स टू होता है 1/4 pi epsilon naught Q अपॉन R। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है, दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जो चार्ज को हम लोग ला रहे हैं, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ऑपोजिट होता है ना इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, ऑपोजिट होता है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज भी हो सकता है। एक बात और याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। फोर पॉजिटिव चार्ज, फोर नेगेटिव चार्ज याद रखिएगा, हमेशा चार्ज के साइन पे डिपेंड करता है। फोर नेगेटिव चार्ज अगर बात करें हम लोग, तो नेगेटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होता है वो हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज के साइन पर डिपेंड करता है। अगर आप पॉजिटिव चार्ज की वजह से देख रहे हो तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से देख रहे हो तो नेगेटिव होगा, हमेशा चार्ज के साइन पे। तो आज के बाद पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज मतलब उसके वजह से पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज मतलब उसके वजह से पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा, क्लियर है। जल्दी से एक काम करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, हार्डली एक एक दो दो लाइन में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जल्दी ट्राई करते हैं। हम पांच, हमारा पांच है, दो तीन तो कम से कम कर लें, जल्दी ट्राई करें। ये समराइज किया है, जल्दी समरी को भी लिख लें और फिर क्वेश्चन सॉल्व करें। एक आर डिस्टेंस पे चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो 1/4 pi epsilon naught Q/r। पोटेंशियल का और एक फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज टेस्ट चार्ज। तीसरा इलेक्ट्रिक फोर्स के हिसाब से देखें तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। चलिए जल्दी एवरीवन ट्राई द क्वेश्चन, ट्राई दिस क्वेश्चन, सब लोग लिख करके क्वेश्चन ट्राई करें, आसान सवाल है, सबसे हो जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन है, हम लोग दो तीन क्वेश्चन कर लेंगे, हमें टॉपिक पे होल्ड बन जाएगा। आर्यन ने पहला आंसर दिया है -20, देखते हैं आर्यन, देखते हैं।
प्रत्युष ने कहा है -20 × 10⁻⁶, बिल्कुल सही है। मैं -6 नहीं प्रत्युष, बार सिक्स वाले को एक बार फिर से रिविजिट करो। एवरीवन रीड क्वेश्चन केयरफुली। सिक्स पावर नहीं होगा प्रत्युष, वही बोल रहा हूं। एक एक करके देखते हैं। अ चार्ज इज टेकन फ्रॉम इंफिनिटी, मतलब ये हमारा टेस्ट चार्ज है। क्यू नॉट इक्वल्स टू 2 μC, यानी 2 × 10⁻⁶ कूलम इज टेकन फ्रॉम द इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, मतलब विदाउट एक्सेलरेशन। इफ वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अच्छा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स दिया गया है आपको -40 × 10⁻⁶ जूल, तो पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या होता है? वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है क्या? बोलिए कितना हो जाएगा? -40 × 10⁻⁶ / 2 × 10⁻⁶ गया, कितना हो गया? -20 वोल्ट हो जाएगा क्या? इज इट क्लियर? वन लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं सब लोग, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, इसी क्वेश्चन के साथ हम चीजों को एंड करेंगे। सीखने के लिए बहुत जरूरी है अगला क्वेश्चन। किसी को भी फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है क्या तो पूछिए। नीचे में आपके एक और क्वेश्चन दिख रहा है, ट्राई दैट क्वेश्चन। प्रत्युष समझ में आया क्या? प्रत्युष गलती कहां हुई थी? दोनों में माइक्रो था ना, दोनों का माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा ना प्रत्युष। आपने एनर्जी वाले में लगता है कि सिर्फ जूल ले लिया था शायद प्रत्युष, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वर्क का माइक्रो ध्यान नहीं दिया। चलो इस क्वेश्चन को अगला क्वेश्चन ट्राई करो तो सबसे बन जाएगा। और मैं धीरे धीरे स्लाइड आगे बढ़ा रहा हूं, मुझे नहीं लगता उसमें ज्यादा कोई देखने की चीज है। ध्यान से पढ़ो, ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, सबसे उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छा एफर्ट देंगे इसमें, तो जो पढ़ा है उसका यूटिलाइजेशन भी तो होना चाहिए। किसी का आया क्वेश्चन आंसर? ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को, यू विल गेट द आंसर। फर्स्ट दो पार्ट है क्वेश्चन के। लेकिन सब लोग ने इस टॉपिक को ठीक से रिवाइज करके आना पोटेंशियल वाले को, क्योंकि आगे इसको और कंटिन्यू करूंगा। स्टेटमेंट तो लिखो कम से कम, कुछ नहीं बनता कम से कम, वर्ड्स तो लिखो क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। इसको लेके आते हैं वो कौन सा चार्ज होता है? टेस्ट चार्ज होता है। फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वही वाला काम है। देखते हैं, अरे देखते रहते हैं।
इट इज फाउंड दैट वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, याद रखिएगा वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इज 10 माइक्रो जूल। ठीक, दे दिया, याद रखिए वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टेस्ट दिया हुआ है, तो याद रखिएगा पोटेंशियल इक्वल्स टू होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट, बताया था कि नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला तो पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, तो जितने लोग बता रहे हो वो गलत बता रहे हो पहली चीज। ओम आपका आंसर दूसरे का सही है, ओम आप जो बता रहे हो ओम वो दूसरे का आंसर बता रहे हो, मतलब वर्क डन वाले पार्ट का बता रहे हो, मुझे जो लगता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो तो सही है आपका आंसर। तो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी तो पूछा है ना, नहीं पूछा है क्या? अच्छा सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा ही नहीं है, मान लिया। अभिषेक 200% करेक्ट, अभिषेक 200% करेक्ट, ओम आपका भी करेक्ट है। मैं पहले पोटेंशियल निकालना चाह रहा था उस पॉइंट का, तो पोटेंशियल निकालने के लिए कितना हो जाएगा, अब क्या -1 वोल्ट हो जाएगा क्या, देख लो क्या पोटेंशियल -1 वोल्ट हो गया क्या किसी उस पॉइंट का। पहला तो देखो पोटेंशियल निकाल लिया हमने, तो हमारा पोटेंशियल अब आ गया -1 वोल्ट उस पॉइंट का। अच्छा अब टेस्ट चार्ज हमने बदल दिया, टेस्ट चार्ज कितना कर दिया, डबल कर दिया, तो कितना हो गया 20 × 10⁻⁶ कूलम्ब। क्लियर है? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है पोटेंशियल, मैं लगा देता हूं ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल। अच्छा क्यू नॉट कितना अपने पास है, 20 × 10⁻⁶ इंटू क्यू नॉट कितना है, क्यू नॉट दिया इंटू वी कितना है -1, तो कितना हो गया -20 माइक्रो जूल हो गया क्या। बोलिए वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट -20 माइक्रो जूल आया है मेरा, ठीक है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स अपने आप क्या हो जाएगा +20 माइक्रो जूल। क्या सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्या ये सबको क्लियर है क्या? शुड वी एंड द क्लास ऑन दिस नोट, क्या पढ़ क्या हो गया अगले दिन, थोड़ा और क्वेश्चन करेंगे इस पे हम लोग, बोलिए। ठीक है, और होमवर्क एनसीईआरटी सॉल्व करना शुरू करें पहले बुक का, आप समझने की कोशिश करो, एक बार रिवीजन करो टॉपिक को, समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, चलिए अगले दिन और क्वेश्चन करेंगे, हैव अ नाइस डे। आर्यन वाइवा में कोशिश करूंगा कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछूं, इसलिए नोट्स को रिवीजन खूब करें, ठीक है, और नोट्स तैयार पूरी तरह करने कर ले बिल्कुल, वो भी चेक करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, हैव अ नाइस डे, लेट्स एंड द सेशन।